हेलो एनमी फैंस, वेलकम टू मना प्राइम। ये है डूम्स डे हंटर का एपिसोड 6। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड की शूटिंग में हम एक शिप देखते हैं, जो शिप शेन के अपार्टमेंट के बाहर होता है। उस शिप के अंदर से फ्रीज टाइगर बाहर निकलता है और उस अपार्टमेंट देखने लगता है। इसके बाद फ्रीज टाइगर उस अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है और इधर उधर शेन का रूम ढूंढने लगता है। उस जगह पे घूमते हुए फ्रीज टाइगर को शेन का रूम मिल जाता है। शेन के रूम का नंबर है 2207। जैसे फ्रीज इस रूम को देखता है, वो उस गेट के ऊपर जोर से लात मार देता है। लात पड़ते गेट टूट जाता है। फ्रीज चिल्ला कहता है, शेन मैं आ चुका हूँ। ये कहते हुए फ्रीज उस रूम के अंदर घुसता है। इधर उधर देखता है, उसे कभी भी शेन दिखाई नहीं देता। फ्रीज फिर से चिल्लाता है, शेन तुम कहाँ हो? क्या तुमने मेरी आवाज़ नहीं सुनी? क्या तुम ऐसे छुपे रहने वाले हो? फ्रीज जैसे ही कहता है, उसे अपने पीछे की साइड से एक लाइट आती हुई दिखाई देती है। फ्रीज जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है, यह एक एरो होता है जो पूरी तेज रफ्तार में उसकी तरफ आ रहा होता है। फ्रीज तुरंत अपने दोनों हाथों को यूज करके उस एरो को पकड़ लेता है, लेकिन उस एरो का फोर्स बहुत ज्यादा होता है। फ्रीज उछल के एक दीवार टकरा जाता है और दीवार के अंदर दरार पड़ जाती है, लेकिन फिर फ्रीज किसी तरह से उस एरो को रोक लेता है। इसके बाद में फ्रीज सामने तक देखता है, शेन गेट के पीछे छुपा हुआ था। शेन वहां सामने आता है और फ्रीज से कहता है, फ्रीज तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम एक मार्शल मास्टर हो, इससे कम तुमसे उम्मीद करना बिल्कुल भी सही नहीं होता। मुझे पता था तुम इस एरो को रोक दोगे, लेकिन मेरे पास में केवल ही एक एरो नहीं है, ऐसे मेरे पास बहुत सारे हैं। ये कहते हुए शेन एक और एरो फायर करता है। फ्रीज झुक के इस अटैक को डॉच करता है। शेन रुकता नहीं है, शेन कई सारे एरो उसके ऊपर फायर करता जाता है। फ्रीज की स्पीड काफी तेज होती है। फ्रीज भग भग के उन सारे टेस्ट को डॉच करता है और फिर सही मौका देखकर एक सोफे के पीछे छुप जाता है और सोचने लगता है, ये क्या हो रहा है? इस लड़की की एक्यूरेसी और आर्चरी दोनों बहुत ज्यादा शानदार है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम नी को देखते हैं। नी की स्क्रीन के ऊपर ये फाइट दिख रहा होता है लिंक भारी एंगल से। अपार्टमेंट के अंदर क्या हो रहा है नी को ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन नी को दिखाई दे रहा है उस अपार्टमेंट के बाहर बहुत सारे धमाके हो रहे हैं और कई सारे एरो उस अपार्टमेंट से बाहर निकल रहे हैं। ये देखकर नी का बॉडीगार्ड कहता है, काफी सारे एरो बाहर निकल रहे हैं, मुझे यकीन है ये सारे एरो को वो लड़का यूज कर रहा है। ये काफी अच्छी टेक्निक है, मार्शल मास्टर के खिलाफ वो इससे काफी देर तक टिक सकता है। जब नी सुनता है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो किसी टेक्नोलॉजी यूज करके फ्रीज से बात करने लगता है और उसे कहता है, फ्रीज टाइगर ये तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से इस फाइट को खत्म करो और शेन को मारकर वापस आ जाओ। फ्रीज टाइगर अभी भी उस सोफे के बीच छुपा होता है। वो कहता है, हाँ समझ गया, मैं भी करता हूँ। ये कहते हैं फ्रीज उस सोफे के बीच से बाहर निकलता है। जैसे फ्रीज थोड़ा सा आगे बढ़ता है, शेन तुरंत उसके मुख के ऊपर एक और एरो फायर कर देता है। इसी समय फ्रीज अपनी एक स्पेशल एबिलिटी दिखाता है। फ्रीज की बॉडी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फ्रीज के अचानक से बहुत ज्यादा मसल आ जाते हैं। मसल इतने ज्यादा होते हैं कि फ्रीज के कपड़े फट जाते हैं। अब फ्रीज की बॉडी बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती है। जो एरो शेन ने फ्रीज को मारा होता है, फ्रीज बड़ी सनी से अपने हाथ से उस एरो को तोड़ देता है। ये देखकर शेन कहता है, फ्रीज टाइगर तो ये है तुम्हारी असली पावर। ये कहते हुए शेन दो तीन एरो और फ्रीज के ऊपर फायर करता है। फ्रीज बड़ी सनी से अपने हाथों को यूज करके उन सभी एरोस को पकड़ लेता है और उन्हें तोड़ देता है और फिर उन टुकड़ों को ही शेन के ऊपर जोर से फेंकता है और शेन से कहता है, तो इन खिलौनों को तुम मुझ पर यूज कर रहे हो, अब एक बार खुद भी इनका स्वाद चखो। ये कहते हुए फ्रीज जो अपने हाथ से उन एरोस को शेन की तरफ फेंकता है, तब वो एरो एक बुलेट की तरह शेन की तरफ आने लगते हैं। शेन उछल के उस अटैक को डॉच करता है। उन एरो के टुकड़े शेन के काफी ज्यादा पास में गिरते हैं। उन एरोस के अंदर इतना ज्यादा फोर्स होता है कि जैसे वो जिन पे गिरते हैं जमीन के ऊपर दरार पड़ जाती है। उन दरार की वजह से शेन के आसपास जमीन हिलती है, शेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और शेन जिन पे गिरने लगता है। ये देखकर फ्रीज सोचता है, ये बिल्कुल सही मौका है। ये कहते हुए फ्रीज भाग के शेन के पास में आता है और शेन के ऊपर एक मुक्का मारने की कोशिश करता है। शेन तुरंत खुद को संभालता है और एक डिफेंसिव फॉर्मेशन बना देता है। जैसे फ्रीज का मुक्का शेन के उस डिफेंसिव फॉर्मेशन में पड़ता है, फ्रीज खुद ही उछल जाता है और एक दीवार को तोड़ते हुए पास वाले अपार्टमेंट जाए घुस जाता है। फिर शेन वापस से हफ्ता हुआ खड़ा होता है और फिर सोचने लगता है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। तभी फ्रीज वापस से वहां पर आता है और शेन से कहता है, शेन तुम नहीं बच पाओगे, तुम्हारा मरना आज तय है। ये कहने के बाद फ्रीज एक सोफा उठा लेता है और शेन से आगे कहता है, अपने इस बो को यूज किए बिना तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें तब केवल मेरे टैक्स को डॉच करना होगा। अगर तुम अपने इस बो को यूज ना करो तो तुम मेरे सामने एक सेकंड भी नहीं टिक सकते। ये कहते हुए फ्रीज शेन के ऊपर अपने सोफे से अटैक कर देता है। शेन बैकफ्लिप मारते हुए इस अटैक को डॉच करता है और फ्रीज से कहता है, एक बार फ्रीज से सोच लो। ये कहने के बाद शेन अपने बालों में लगी हुई क्लिप को बाहर निकालता है और उसी क्लिप से फ्रीज के मुंह के ऊपर एक जोर से कट लगा देता है। ये कट पड़ते फ्रीज की बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तभी शेन फिर से घूमता है और फ्रीज के मुंह पर एक जोर से लात मार देता है। ये लात पड़ते फ्रीज जोर से जमीन पर गिर जाता है। फिर शेन फ्रीज से कहता है, मैं कल्टीवेशन के सेकंड लेवल पर पहुंच चुका हूँ, मेरा लेवल अब इतना ज्यादा है कि मैं मार्शल के किसी भी मास्टर को हरा सकता हूँ। ये कहने के बाद शेन सोचने लगता है, इस वर्ल्ड के अंदर मेरी पावर बहुत ज्यादा है क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा कम है, इसलिए मैं इन सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ।
वहीं कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर मैं कुछ भी नहीं हूँ। कल्टीवेशन वर्ल्ड के सारे मॉन्स्टर मुझसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए अभी भी मुझे मेहनत तो करते ही रहना होगा। फिर शेन फ्रीज से कहता है, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है, अब टाइम आ गया है मैं तुम्हें मार दूं और इस फाइट को खत्म कर दूं। जैसे शेन ये कहता है, फ्रीज जल्दी से खड़ा हो जाता है और शेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और शेन से कहता है, अब मैं तुम्हें अटैक करने का मौका नहीं दूंगा। ये कहने के बाद फ्रीज शेन के ऊपर मुक्का मार देता है। शेन उछल के सेटर को डॉच करता है और फिर अपने बो के ऊपर एक साथ तीन एरोज को लगाता है और अपने फुल फोर्स के साथ में उसे फ्रीज के ऊपर फायर कर देता है। तीनों एरोज फ्रीज की तरफ आने लगते हैं, बढ़ते वो अचानक से एक सांप का रूप ले लेते हैं जिसे देखकर फ्रीज बहुत ज्यादा डर जाता है। फ्रीज कहता है, ये क्या है? जैसे वो कहता है, तीनों तीर एक जम से उसके सीने के अंदर घुस जाते हैं और उसकी बॉडी के आर पार निकल जाते हैं। फ्रीज उछल के एक दीवार टकराता है और उस दीवार को तोड़ देता है। फ्रीज की आधी बॉडी उस बिल्डिंग के नीचे के साथ लटकने लगती है। दीवार के अंदर जिस साइड छेद हुआ होता है उसी साइड से एक ड्रोन उड़ रहा होता है, जिस ड्रोन की मदद से नी उस पूरी जगह पर नजर रखा हुआ था। शेन भी उस क्षेत्र के पास में आता है, उस ड्रोन को उड़ते हुए देखता है और फिर उस ड्रोन के ऊपर एक एरो फायर कर देता है। एरो सीधे जाकर उस ड्रोन पर टकराता है और ड्रोन टूट जाता है। ड्रोन के टूटने के साथ ही नी को भी विजुअल मिलना बंद हो जाते हैं। ये सब देखकर नियन बहुत डर जाता है। नियन का बॉडीगार्ड नियन से कहता है, सर नियन आप हार चुके हैं, ये सब कुछ देख के आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा वहां पर क्या हुआ है। नियन अभी बहुत ज्यादा शोके में होता है, वो सोचता है ये सब कैसे हो गया, मैं नियन कैसे हार सकता हूँ। फिर नियन पास जाने लगता है और फिर बॉडीगार्ड से कहता है, इस बार तुम लकी थे, तुम जीत गए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। ये कहते हुए नियन पास चला जाता है। नियन के पास जाने के बाद में ये बॉडीगार्ड इस लड़की के सामने झुकने लगता है। इसके बाद हमें पता पड़ता है इस बॉडीगार्ड का नाम फेंग है और ये नियन का बॉडीगार्ड नहीं है, ये इस लड़की का बॉडीगार्ड है। ये भी कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, ये एक प्रिंसेस है जिसका नाम एमा है। इसने अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपा के रखी है। एमा कहती है, सब कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल है सबसे ये छुपा के रखना कि मैं कौन हूँ, अब बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। फिर एमा उस बॉडीगार्ड फेंग से पूछती है, तुम्हें क्या समझ में आया, तुम्हें क्या लगता है ये लड़का शेन कितना ताकतवर है। फेंग कहता है, जितना मैंने देखा मुझे लगता है ये बहुत ताकतवर है, इसने मार्शल मास्टर को हरा दिया। यानी कि इसका मतलब एक बात तो साफ है, इसके पास में कोई हिडन पावर है। जिस सुनकर एमा एक सिस्टम को ओपन करती है और उसमें बोलती है, शेन के बारे में हमारे पास जितनी भी जानकारी है वो सब कुछ मुझे दिखाओ। ये सुनते हुए कंप्यूटर सिस्टम एक स्क्रीन विंडो दिखाने लगता है जिसके ऊपर शेन की जितनी भी जानकारी होती है वो सारी दिखाई देती है। जिसे देखकर फेंग कहता है, ये जानकारी तो बिल्कुल नॉर्मल सी है, इसके हिसाब से तो ये लड़का बिल्कुल ताकतवर नहीं होना चाहिए था। एमा कहती है, कुछ है जो हमसे छुपा हुआ है, अब हमें कोई तरीका निकालना होगा जिससे हम शेन के बारे में कुछ पता लगा सकें, वो सब कुछ जो इस डेटा के अंदर नहीं है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम वापस से शेन को देखते हैं। शेन एक बिल्डिंग के अंदर आया है जिसका नाम मेंटल आर्मर डिपार्टमेंट है। शेन जब इस बिल्डिंग के अंदर आता है तब शेन की पूरी बॉडी की स्कैनिंग होती है। इस टाइम पर इस पूरी बिल्डिंग के अंदर शेन के अलावा कोई भी नहीं होता। सामने की तरफ एक आर्मर रखा होता है। शेन उस आर्मर के पास जाता है और उसे देखने लगता है और सोचता है, मेरी पिछली लाइफ में हमने बहुत सारे शानदार बैटल आर्मर्स बनाए थे, हमारी टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा आगे तक पहुँच गई थी, लेकिन अभी के टाइम पर हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, अगर किसी तरह से मैं सभी सुधार कर पाया तो काफ़ी अच्छा होगा। मेरी पिछली लाइफ की सारी एडवांस टेक्नोलॉजी मेरे दिमाग के अंदर है, लेकिन मेरी बदकिस्मती है मैं उसको ठीक तरह से यूज़ नहीं कर सकता हूँ। ये सोचने के बाद शेन आगे तक जाने लगता है। वो चलते हुए आगे सोचता है, अगर मैं थोड़े टाइम तक यहाँ रहूँगा तो नी फैमिली से मुझे कोई खतरा नहीं होगा, नी फैमिली का कोई बंदा मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। इसके बाद शेन एक रूम के बाहर पहुँचता है, वहाँ पर वो अपने फिंगरप्रिंट वगैरह कुछ देता है जिससे रूम के गेट ओपन हो जाते हैं। शेन रूम के अंदर आता है। फिर शेन खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगता है और सोचता है, बाहर काफ़ी सारी गेसेस दिखाई दे रही है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी भी समय वो पोर्टल्स ओपन हो जाएंगे, लेकिन इसमें अभी भी काफ़ी टाइम है। वैसे अब 24 घंटे होने वाले हैं, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 24 घंटे बाद में मैं वापस से उस कल्टीवेशन वर्ल्ड में पहुँच जाऊँगा, क्योंकि मुझे याद है जब 24 घंटे हुए थे तब मैं उस कल्टीवेशन वर्ल्ड से इस दुनिया में आया था और उस विंडो के ऊपर लिखा हुआ था 24 घंटे हो गए हैं, इसलिए मुझे अभी भी लगता है 24 घंटे होते मैं वापस वहीं पे जाऊंगा, इसलिए अभी के लिए अच्छा होगा मैं थोड़ी देर बैठ जाऊं और आराम से किसी भी तरह कल्टीवेट करूं। ये सोचते हुए शेन अपने बिस्तर पर बैठ जाता है और फिर आराम से आँख बंद कर लेता है। तभी थोड़ी देर में शेन को एक स्क्रीन डिश होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, आपके 24 घंटे पूरे हो चुके हैं, अब आपको वापस से कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर लेके जाया जा रहा है। इसी के साथ शेन कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है। शेन के कपड़े वापस बदल जाते हैं। शेन दूर से देखता है, शेन उसी जगह पर है जहाँ पर वो तब था जब वो लास्ट टाइम कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर था। सामने वो साथ वाला बंदा खड़ा होता है, वो शेन से पूछता है, शेन क्या हुआ, तुम इधर उधर क्यों देख रहे हो। जिसमें शेन सोचने लगता है, यानी कि इसको भी कुछ पता नहीं चला है। जैसे ही मैं इस वर्ल्ड से बाहर निकला यहाँ का टाइम भी रुक गया, अब मैं यहाँ पर वापस आ गया हूँ तो टाइम वापस चलना शुरू हो गया है, ये तो बहुत शानदार है, मैं वापस से कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर लौट आया हूँ।
ये सोचते हुए शेन बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। और यहीं पर इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।